अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से होंगे जी। न्यू पाकिस्तान ट्रैक्टर शोरूम लियाकतपुर की तरफ से तमाम अपने देखने वालों चाहने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी दोस्तों को हमेशा हमेशा खुश रखे जी, तंदरुस्तों से अभी वाली ज़िंदगी अदा फरमाए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है तमाम दोस्तों से कि जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में बेल के आइकान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके नोटिफिकेशन हो जाएँ ऑन। और आज आपके लिए लेके आए हैं जी अमेजिंग गाड़ी का रिव्यू। ट्रैक्टर है जी गाज़ी 2009 मॉडल, अलगाजी है 2009 मॉडल। तो ये दूसरी शो में है, ये शो की सिर्फ चेंजिंग है फ्रंट जाली में, बाकी ओरिजिनल है, मतलब भी जैसे अभी तक आ रहा है उसी तरीके का ही है मॉडल। तो चलते हैं जी ट्रैक्टर की तरफ, आपको रिव्यू करवाते हैं और बाद में इसकी सारी डिटेल बताते हैं। आ गए हैं जी ट्रैक्टर की तरफ। ये है जी फ्रंट टायर, फ्रंट और बैक टायर डाले हुए हैं जी, ज़ीरो कंडीशन देख सकते हैं। ये बैक टायर है, बैक टायर जो है ये डाले हुए हैं गुडियर के, ये आप देख सकते हैं गुडियर के टायर हैं। ये काफ़ी इसकी मतलब भी डिमांड है, ये गुडियर के टायर डाले हुए हैं, काफ़ी इनकी डिमांड है, मतलब भी ये मार्केट में दूसरे पैंथर जनरल से टायर महंगा है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे राइट साइड वाले टायर पे, ये भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चौकड़ा इसका ज़ीरो डाला हुआ है, ये फ्रंट टायर है। इसके बाद आ जाते हैं फ्रंट रिम्स पे, ये देखिए हल्का फुल्का जंग है, इसे कलर करवाना पड़ेगा, बाकी स्क्रैचेस ये क्रैक वगैरह कहीं से नहीं। ये बैक रिम है, इसकी कंडीशन भी बिल्कुल ओके है, ना कहीं से डैमेज है, ना क्रैक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इसे पेंट करवाएंगे तो न्यू जैसा हो जाएगा। ये अंदर से कंडीशन है रिम्स की, और ये दूसरी साइड वाला रिम आ गया जी, रिम बिल्कुल क्रैक नहीं है, सिर्फ पेंट का मसला है, हल्का फुल्का पेंट होगा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं फ्रंट पे, यह भी क्रैक नहीं है, इसका भी पेंट का इशू है, ये कंडीशन आपके सामने है। इसके बाद आ जाते हैं शो पे, शो इसकी जो है ये वाले मॉडल की है मध्यम, मध्यम शो में है, एक आ जाते हैं तेज़ शो में, एक आ जाते हैं मध्यम में, आपको दिखाते हैं। ये वाला ट्रैक्टर है, इसकी जो शो है ये बिल्कुल तेज़ है, ठीक है, ये बिल्कुल ज़ीरो है, फ्रेश मॉडल है, फ्रेश पीस खड़ा है आप हमारे पास। इसके बाद आ जाते हैं इसकी जो चेंजिंग है ना, सिर्फ जाली में चेंजिंग है, ये जो पहले मॉडल आते थे उसकी जाली इस तरीके की थी, तो न्यू मॉडल की भी आपको दिखा देते हैं। न्यू मॉडल की जाली जो है इस तरीके से आ रही है, बिल्कुल न्यू जो मॉडल अभी आ, बाकी शो की जो सारी आप सूरत हाल देख रहे हैं कहीं से कोई क्रैक वगैरह नहीं है, सिर्फ ये हल्का फुल्का सा इधर डेंट है, पता नहीं कोई चीज़ गिरी है। तो बाकी ये बैक माडी गार्ड देख लें, ये इसका ना इधर से माडी गार्ड ना पेंट हुआ हुआ है, ठीक है, ये इस जगह से ये नज़र आ रहा है, ये पुटीन भी लगी हुई है इधर, ठीक है, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं है। ये एंटीगेटर दोबारा लगे हैं न्यू, तो ये सूरत हाल है। इधर से ये वाला होल जो है बड़ा हो गया है, बाकी सारी कंडीशन आपके सामने है। ये है जी ट्रैक्टर, बिल्कुल कंडीशन में खड़ा है, कंडीशन में पूरा ट्रैक्टर है। ये इसकी डैशबोर्ड की कंडीशन आप देख लें, बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट है, ओके है ट्रैक्टर। बाकी इसके बाद चेसिस पे आ जाते हैं, ये इसका जो टॉप है ये देख सकते हैं, इसकी सारी सूरत हाल, ये वायरिंग वगैरह भी बिल्कुल ओके की हुई है जी, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, बिल्कुल आएँ और इधर से चाबी लें और डीजल डालें, अपना काम करें इसके साथ। बाकी ये चेसिस की कंडीशन है सारी, ये ओरिजिनल हालत में खड़ा है, बिल्कुल जिसे ट्रैक्टर कहते हैं वो ट्रैक्टर है, कंडीशन वाइज ट्रैक्टर आते हैं इधर, अदरवाइज़ नहीं आते। ट्रैक्टर के आगे जो है बम्पर लगा हुआ है, बम्पर में है जी ये बैटरी पड़ी हुई, ये चेसिस वाइज ट्रैक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कोई क्रैक नहीं है, सिर्फ एक जगह पे क्रैक है। जो टूपे हैं ना इसकी, ये भी ओरिजिनल हैं, बिल्कुल अंदर से ट्रैक्टर ओवरऑल किया हुआ है, मतलब भी पीछे हिस्से से ये हल्का फुल्का सा इधर इशू है, ये देखें ये वेल्ड किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा दूँ, कोई इसमें वो नहीं है छुपी हुई चीज़, जो चीज़ जो भी चीज़ होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है इसकी। इसके बाद आ जाते हैं जी फ्रंट पे, बम्पर लगा हुआ है थके वाला, बेहतरीन फुल वजनी बम्पर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं इसकी चैनल की मोटाई 8 इंच का तकरीबन ये चैनल लगा हुआ है, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, ये देख लें 1/2 इंच मतलब इसकी मोटाई है, इतनी मोटाई है चैनल की। बाकी इसके बाद इसे फट्टा लगा हुआ है बैठने वाला, ये देखें इसके बाद हुक लगी हुई है, वजनी हुक लगी हुई है, हुक के आप चप्पे देख सकते हैं, ये 2 इंच का चप्पा लगा हुआ है, ये देखें ये मेरे पास इंची टेप नहीं है, ये फुल लोडिंग वाली हुक लगी हुई है, ये इसकी बहुत ही मजबूती की हुई है हुक की ना, कारीगर बनाने वाले ने बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इसके पास कंजा लगा हुआ है इसे ट्रैक्टर को, विद रकाबें, रकाबें भी साथ ही हैं इस कंजे के, ठीक है, नहीं तो संगल इधर डालते हैं तो जब ट्रैक्टर लिंकें उठाते हैं तो संगल इधर फंस जाते हैं। बाकी ये थी ट्रैक्टर की कंडीशन सारी जो मैंने आपको दिखा दी है। ट्रैक्टर है जी 2009 मॉडल है,
एच फार्म है, कागज़ वगैरह नहीं बने हुए, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, अनरजिस्टर्ड है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर आप जिस दोस्त भाई को चाहिए ये आपको मिलेगा न्यू पाकिस्तान ट्रैक्टर शोरूम लियाकतपुर पे। तो किसी भाई दोस्त को चाहिए तो इधर हमारे पास तशरीफ लाएं और ट्रैक्टर हमसे लेके जाएं, इंशाल्लाह 12 ट्रैक्टर देंगे। ट्रैक्टर की डिमांड है जी 11 लाख, कैश पे डिमांड है जी इसकी 11 लाख। बाकी मज़ीद मौके पे ऊँच नीच हो जाएगी। तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का मशकूर हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।